सैयद मोहम्मद ताहिर हाशमी। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि हम इस गांव के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि इस गांव का नाम क्या है और ये कब से है, इसकी थोड़ी सी तारीख के बारे में बताइएगा। पिंड का नाम है थरपाल शरीफ। जी असल जेदे बारे च ना कोई मुकम्मल तारीख नहीं मेरे इलम च, ना ही कोई ऐसी है वे मतलब जी ये साढ़े व्डे बाजदाद सैयद हाशम शाह साहब जेडे ने 200 साल तो इधरों हिजरत करके इतने ना जगदेव कला च जी इन्हों की आमद हुई ही मदीने शरीफ तो जी उतो फिर इस वसीले ना राजा रणजीत सिंह ने कोई जागीर दी ही सैयद हाशम शाह साहब ने जी इस पिंड जी इस वसादत नाल आए थे। थरपाल शरीफ शुरू तो पिंड थरपाल शरीफ ही चलिया आ रहा, यानी कि दा शुरू तो नाम ही थरपाल शरीफ। हाँ जी, थरपाल शरीफ सैयद हाशम शाह। ठीक, इत्थे आ जिहड़े बजुर्ग ने इन्हां दा कदों कदाए दरबार च रहना इत्थे तमीर किया गया है पिंड विच, उहदे बारे ये सैयद हाशम शाह साहब सरकार जिहड़े रहना ये मदीने शरीफ च पैदा होए सन जी। हाँ जी, मोहम्मद शरीफ साहब इन्हों के वालद जिहड़े ने मदीना मस्जिद नबवी दे विच दरसो तदरीस का काम करते आए ने जी। वो फिर सरकार आ गए थे जगदेव कलां जिला अमृतसर के उस वसादत नाल, ये अज तो पौने 200 साल पहले ने तकरीबन जी सरकार इत्थे आए। ठीक, यानी कि तकरीबन या पिंड के बारे में तुहानू पता, क्या पिंड अगर पता हो तकरीबन तकरीबन असं कि साल पहला कह सकते हैं कि मौजूद है पिंड? इदा शुरू तो कोई इस बारे च हिस्ट्री नहीं अज तक सामने आई साढ़े, यानी कि आप पिंड बड़ा ही पुराना है, बड़ा पुराना और यदा नाम भी उही चलता आ रहा जो कि पार्टीशन तो पहला का इतने आ गया है। और सर जी ये दसना सानू कि आ जे पिंड के लोग ने उन्हों का रहन का तरीका उन्हों के कल्चर वो किस लिहाज के नाल, मतलब कि अगर देखा जाए तो बजुर्ग लोग अपना टाइम किस तरह स्पेंड करते हैं, पता होए कोई जगह पर कट्ठे बह के पुराना दौर जैसे ना कि पहला लोग बहते रहे कट्ठे हो के मिलजुल के उस तरह का हिसाब किताब है जी? खेतीबाड़ी का ही निजाम चलता पिया वे शुरू तो, लोग जमीन आबाद करते रहते यो जरिया है आमदन है। हूँ ज्यों ज्यों जिद्दत आ रही है त्यों त्यों बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, कोई मुलाजमत करते जा रहे हैं, इस तरह डिवेलप होता जा रहा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा सर, ये दसना कि जरा इतने बच्चों के तलीम के हवाले ने अगर सवाल किया जाए, बच्चों के तलीम के हवाले ने सवाल किया जाए कोई भी, कि अगर बच्चों उ ज़्यादा तलीम दी जाती है या बच्चियों दी जाती है लड़कियां तो लड़कियों में, ये भी कोई फर्क किया जाता है कि वह फर्क खत्म कर दिता गया पिंड? इस तरह ही गवर्नमेंट का एक स्कूल है साढ़े मुश्तरका ही है, बच्चिया बच्चे इकट्ठे ही पढ़न दे ने प्राइमरी स्कूल है, लागे साढ़े एक हाई स्कूल है रजा जी, कॉलेज भी है इंटरमीडिएट कॉलेज भी है। हाँ जी, इस तरह करके तलीम का सिलसिला चलन दिया आहिस्ता आहिस्ता होर ज़्यादा साढ़े इतने अपने तलीम का सिलसिला है वे भी साढ़े यहाँ दरसगवा बनाइया ने दो जी, वो सामने दरबार शरीफ के नाल बच्चिया की लैदा बच्चिया की लैदा। यानी कि अगर बच्चिया के हवाले ना सवाल किया जाए लड़कियों को लैके सवाल किया जाए तो इतने लोग लड़कियों भी उन्नी तलीम देंगे ने जिनी कि बच्चों तलीम देंगे ने? हाँ, बच्चियाँ है ने इतने स्कूल के बच्च बच्चियाँ आ रही ने काफ़ी मेरा हाल। हाई स्कूल, अगर हाई स्कूल की गल की जाए कि हाई स्कूल बच्चिया यानी कि 8th तक चलो स्कूल बच्चे पिंड रह के पढ़ लेंगे, अगो हाई स्कूल 9वीं 10वीं या फर्स्ट या सैकेंडरी बच्चियों को जान दें? साढ़े अकैडमी बनी है इतने एक जी, बच्चिया जाते नारोवल बदोमली स्कूल कॉलेज है ने जी, इतने चले जाते हैं बाद चो अकैडमी बनी है साढ़े नाल ही है जी, इतने बच्चे बच्चिया बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। अच्छा सर, सानू ये दसना कि ना अगर असी गल करिए कि आप पिंड अगर किसी डिफरेंट बुला इतने बरादरियाँ रहदियाँ ने, ठीक है, मुख्तलिफ बरादरी के लोग इतने रहते हैं, अगर उन्होंने दरम्यान कोई भी किसी भी किस्म का झगड़ा हो जाता है, ठीक है, उन्होंने लैके इतने कोई पिंड कोई सरबरा हो जरा कोई उन्होंने फैसले करवाता हो या वो लोग जोड़े ने ज़्यादा मतलब बाहर रजू करते हैं पुलिस स्टेशन वाले? इतने बरादरी बेस तुम्हें पता भी बरादरिया जे तो मैच्योर लोग हो जी वो तो संभल जाते हैं, बिल्कुल, तो कई फिर इंतार फैलाने वाले होंगे ने बरादरी पे तो फड़ लो फड़ लो फड़ लो, नहीं ऐसा कोई सिलसिला नहीं साढ़े ने ज्यादा, यानी कि कोई सरबरा वगैरह नहीं है कि जरा उन्होंने अगर नहीं एडा कोई नहीं, बस ठीक है जो को हो गया तो चार जी इकट्ठे हो गए जी। ये जो आप मज़ार देख रहे हैं ये हज़रत सैयद मोहम्मद हाशिम शाह कादरी साहब का मज़ार है जो कि थरपाल गाँव में वाक़ है, जो कि ज़िला नारवल का एक छोटा सा गाँव है वहाँ पर वाक़ है ये।
इन्होंने सस्सी पुन्नू लिखी थी, आपने इनके बहुत सारे कलाम सुने होंगे, इनके दोहरे सुने होंगे, इनकी बहुत सारी कुतुब है जो इन्होंने लिखी थी वो पढ़ी होंगी। आज तक हम लोग इनका बहुत सारे सिलेबस में इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आज हम इनके मज़ार में आए हैं और यहाँ के लोगों से हम इनके बारे में जानेंगे कि ये मज़ार कब से है, आपके इनके मज़ार की जो है वो सैर भी करवाएंगे और ये जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है इनसे बात करेंगे इनके बारे में। जी ये दरबार है हज़रत मोहम्मद शाह हाशिम साहब का और तो यहाँ पे मौजूद हैं ये हमारे साथ बुज़ुर्ग, इनसे पूछते हैं इनके बारे में कि इनकी तालीमात क्या थी, ये हमें बताते हैं कि उनके बारे में। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद हाशिम शाह साहब ने बहुत सारा कलाम लिखा, बहुत सारा कलाम लिखा जिहड़ा साढ़े पाकिस्तान के सिलेबस के विच पढ़िया जाता वे जी, खास करके आलमी लैवल ते मशहूर ने सरकार दे दौड़े। चलो एक दौड़ा मैं सुना देना तुहानू जी। ना मिथी ना मिथ के तुरिया, उन तोर दिता असी तुर आए, बैठन जोग ना मिथ के बैठे, उन आपे चाह बिठाए, कुछ मालूम नहीं पर हिकमत, कित वल तोर लै जाए, हाशम आप करे सब कारण, विच हिकमत असी बनाए। चेता करके सरकार हाशम शाह साहब ने ना सस्सी पुन्नू खास करके बहुत मशहूर है साढ़े सैयद हाशिम शाह साहब की जी, चहार बहार किताब मार्फत दे विच एक आला तरीन मतलब नजाब नुस्खा वे सरकार दा जी, क्या बात है। तो इस तरह श्री फरहाद दौड़े हजूर मौला अली सरकार की मनकबत लिखी है, हजूर गौस पाक की सरकार दनकबत लिखिया ने, बहुत सारा कलाम सरकार ने लिखा है हाशिम शाह साहब ने। यानी कि सात जबाना जो सरकार ने शायरी की थी। कौन कौन सी जबान पता हो आपको? पंजाबी, फारसी, संस्कृत, गुरमुखी, इस तरह करके हम बहुत सारी है ना जी, सात जबाना जो शायरी जी है ना सरकार दी हुई है। अच्छा, इनका दरबार जो ये जो दरबार बना हुआ है ये कब तमीर किया गया था, अगर आपको पता हो तो? ये सरकार का साल होया तकरीबन 170 साल हो गए ने तकरीबन सरकार नूं पर्दा कीते आ जी, उदों दा दरबार सी ते हुण नवां तमीर जिहड़ा कीता है सी 1999 च ते 2000 दे विच तैयार होया दोबारा जी। बिल्कुल, आपने जाना इनके बारे में कि इन्होंने बहुत सारी तालीमात पे इनकी बात हुई, इन्होंने बहुत सारे मुकतबात लिखी हुई हैं, ठीक है, और आप लोगों ने नाम उनके सुन लिए हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इनके बारे में पढ़ने की और